गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर का पार्ट टू देखने वाले हैं। आधा हम लोग का लेसन खलास हो गया था पहले पार्ट में, आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ चौकट में दिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य उपयोग कौन से है वो लिखना। ठीक है, पहले दिए वो देख लेते हैं। क्या दिया है, निर्देशन, विज्ञान के कुछ प्रयोग और संकल्पनाओं का सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावीकरण रूप से और आसानी से निरूपण किया जा सकता है, उदाहरण तंत्रिका तंत्र के कार्य। क्या बताया इसके अंदर, अगर कुछ भी चीज़ अगर तुमको जानना है, ठीक है, मतलब उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो उसको एनिमेशन, जैसे कि 3D एनिमेशन रहता है, 4D 8D एनिमेशन जो रहता है तुम्हारा, मतलब पूरे तरीके से अच्छे जैसे पिक्चर देखते हो, तो उसे तुम लोग को अगर जो चीज़ नहीं देख सकते, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर रहता है वो, फिर तुम्हारा जो माइक्रो जीवाणु जो रहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव रहते हैं वो सब, तो जिसको हम लोग आँख से देख नहीं सकते डायरेक्ट ऐसा, तो उसको एनिमेशन के हिसाब से, जो हम लोग एनिमेशन के हिसाब से 3D या 4D जो रहता है उसको अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये हम लोग मतलब विज्ञान का जो चीज़ है वो हम लोग IT के सहायता से, ठीक है, संगणक के सहायता से हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे दूसरे में क्या दिया है, अनुमान लगाना, इसके अंदर क्या दिया है, सूचनाओं का संकलन कर उन पर प्रक्रिया कर अनुमान लगाया जाता है, उदाहरण मौसम विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे मौसम विज्ञान का उदाहरण देखिए क्या समझाया कि कुछ भी चीज़ मतलब जो हम लोग अनुमान लगाते, जैसे ऐसा हो सकता है, तो जैसे कि मौसम अभी कल बारिश गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो ऐसा अनुमान लगाना वो हम लोग भी रहते हैं, वो भी विज्ञान, इसके विज्ञान का मतलब हो गया रिलेटेड, और विज्ञान के रिलेटेड से ये संगणक के इस्तेमाल, ठीक है, तुम्हारा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से हम लोग वो बता सकते हैं। जैसे तुम लोग के मोबाइल में, आजकल के मोबाइल में क्या रहता है, सबको पहले से मतलब दिखता है, कल का रात को आ जाता है, सो कल इतने इतने डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, इतना तापमान रहेगा, क्लाउडी रहेगा कि बारिश गिरने वाला रहेगा कि धूप रहेगा, ये पहले लगा देते हैं, तो ये भी प्रौद्योगिकी की सहायता से ही होता है। फिर आगे तीसरे डब्बे में क्या दिया है, वैज्ञानिक जानकारी संग्रहित करना, इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। इसके अंदर क्या दिया है, वैज्ञानिक जो जानकारी को संग्रहित करते हैं, ठीक है, जो अच्छे से संभाल के रखते हैं, या मतलब जो जानकारी को इधर से उधर करते हैं, जैसे कि तुम्हारा मैसेज विसेज में कैसे तुम लोग जानकारी जो रहता है या बात करते, तो बात भी रहता है, उसके अंदर भी क्या होता है, जानकारी, जैसे खाना खाया तो हाँ नहीं, तो ये भी जानकारी एक जानकारी का टाइप हो गया, तो वो कैसे इधर से उधर जाएगा उसमें भी तुम्हारा प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, जैसे इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से तुम लोग, इंटरनेट रहेगा तभी आजकल के टाइम पे, अगर वही तुम लोग अगर देख लो 2005, 2006, 2007, 2008 तक अगर देख लो, ठीक है, 8 से 10 तक भी देख लो या 12 तक भी देख लो, ठीक है, 12 में तो ज़्यादा हो गया था, अगर 8 से 10 तक अगर देख लो 2008-2010 तक, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी मतलब नेट का कुछ काम ही नहीं था, पर डब्बा फिर उस कीपैड जैसा मोबाइल रहता था और उसके अंदर कुछ उपयोग ही नहीं मिलता था, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं रहता था, 100 MB का एक बार अगर रिचार्ज मार देता तो 1 महीना तक चलता था, आजकल 1.5 GB जो रहता है वो एक दिन में चला जाता है, 100 MB अगर एक मिनट में चला जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड तो कम होएगा, 1 मिनट में तुम्हारा 100 MB उड़ जाता है, ठीक है, जब ज़्यादा मतलब यूज़ करते हो तो इंटरनेट भी आजकल के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, ठीक है, ईमेल, तुम्हारा पता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल तुम्हारा जो कुछ भी मैसेज, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में मैसेज सेंड करते हैं, तो तुम लोग तुम्हारा जो जैसे कि क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो मैसेज सेंड करते हैं तो तुम्हारा चैट रूम्स में आ जाएगा, ईमेल बड़ा बड़ा जो एप्लीकेशन रहता है वो ईमेल से सेंड करते हैं। फिर न्यूज़ ग्रुप से कुछ भी न्यूज़ हुआ तो जैसे TV में न्यूज़ से देखते हो, उसे न्यूज़ ग्रुप से भी तुम लोग देख सकते हो। ब्लॉग्स, उसमें भी क्या रहता है, अलग अलग प्रकार का मतलब कुछ भी चीज़ की जानकारी देना, ठीक है, जैसे कि अभी PUBG बैन हो गया है तो उसके बारे में जानकारी देंगे तो ब्लॉग्स में लिख के डाल सकते हैं, मतलब न्यूज़ भी डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ जैसे सोना ऊपर भाव बढ़ गया है वो भी, कुछ भी चीज़ मतलब रहता है वो ब्लॉग्स के अंदर डाल सकते हो, कुछ भी चीज़ नया मार्केट में है वो। फिर विकिपीडिया, विकिपीडिया मतलब गूगल की तरह रहता है, कुछ भी चीज़ का पूरी तरीके से जानकारी जानना चाहिए तो विकिपीडिया डाल दो, ठीक है, विकिपीडिया गूगल के अंदर विकिपीडिया डाल दो, उसके आगे उसका नाम डाल दो, वो पूरा उसके बारे में कब से बना था, कहाँ तक बना था, कैसे बना था, कौन बनाया था, क्या कब तक है, जीवन मृत्यु सब उसके अंदर बता देगा। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पता है तुम लोग को, वीडियो जो रहता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वीडियो सामने सामने से जो वीडियो में बात करते हैं तो एक साथ बहुत जन से अगर बात करोगे तो उसको कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है, ठीक है, अगर वो बात से कर रहे हो तो वॉइस कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, और अगर देख के बोल बात कर रहे हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, बहुत जन जो रहते हैं वो। फिर आगे क्या दिया है, संगणक क्षेत्र में सुअवसर, यहाँ पे क्या दिया है, संगणक क्षेत्र में सुअवसर, अच्छा चीज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र, ठीक है, सॉफ्टवेयर हम लोगों ने देखा था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम लोग
छू नहीं सकते, और हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में तुम लोगों को बताया था मैं क्या बोलते हैं बैटरी या मोबाइल कवर, मोबाइल स्क्रीन, ये सब तुम्हारा हार्डवेयर में आ जाएगा, और एप्लीकेशन आर जो रहता है वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कह दिया क्षेत्र में, इसके अंदर यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर निर्मित करने का आह्वान स्वीकार कर उनके कंपनियों ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया है। ठीक है, अभी तुम्हारा जो छोटा छोटा रहता है वही सॉफ्टवेयर नहीं, अगर बड़े बड़े अगर कंपनी देखेंगे आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ठीक है, डेल हो गया, तो ये सब जो आईटी कंपनी है ये लोग मतलब लोग को काम देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कहते हैं, तो लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अभी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत जन लगते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है तो वो एक लगेगा, फिर उसको सॉफ्टवेयर बना के जो चेक करने वाला रहेगा टेस्टिंग के लिए वो रहेगा, फिर टेस्ट करके अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर वो पहले वाले को बताएगा सो कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर वो छोटा उसके सॉफ्टवेयर के नीचे वाला जो रहता है सब सॉफ्टवेयर वाला, तो वो उसको चेक करता है, उससे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस वो हेड को देता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत जन का जो काम रहता है वो सॉफ्टवेयर क्षेत्र के हिसाब से मिलता है, जिसको अच्छे से सॉफ्टवेयर निर्मित करने आता है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी जो रहते हैं वो खुद सॉफ्टवेयर कभी कभी बिल्ड करते हैं, और उससे भी जो बड़ी बड़ी कंपनी रहते हैं एमएनसीज जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, मतलब बहुत सारे नेशन में उसका कंपनी का अगर ब्रांच रहता है तो वो अपना काम जो रहता है दूसरे को दे देता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या अपने मतलब दूसरे से जिससे जहाँ से कम रुपये में बनता रहेगा तो वहाँ पर दे देते बनाने के लिए। फिर आगे कह दिया सॉफ्टवेयर के क्षेत्र के सुअरों का वर्गीकरण, सॉरी हाँ, सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों का सुअवसरों का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जाता है, कैसे, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट मतलब तुम्हारा यहाँ पे वही सॉफ्टवेयर जो रहता है, जैसे कि तुमको बताया था मोबाइल में एप्लीकेशन होता है और अगर क्या बोलते हैं कंप्यूटर में लिया तो उसको सॉफ्टवेयर रहता है, तो वही दिया है सॉफ्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोग्राम जो रहता है अगर ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कह रहा था उसके पीछे कोडिंग करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम रहता है जैसे कि तुम्हारा हो गया सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, जावा, ये सब जो रहता है ये प्रोग्राम हो गया, तो लैंग्वेज हो गया प्रोग्राम के लैंग्वेज, तो इसके अंदर से बना के एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, तो एक डेवलपमेंट ये एक टीम हो जाता है। फिर सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मतलब तुम्हारा एक एक जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो सबको मिक्स करके एक पूरा बनाना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी डेवलपमेंट, अभी उसके अंदर क्या क्या लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, तुम लोग जैसे प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसी प्रकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट ऊपर देखा था, मतलब अंदर जो काम करने का रहता है वो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसी प्रोसेसिंग यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे कि विंडोज, तुम लोगों को पता रहेगा विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब जो रहता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम रहते हैं, जो मतलब हम लोग कुछ भी चीज़ बताते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज मैंने बताया था वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर और यूटिलिटी डेवलपमेंट स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या दिया है एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी डेवलपमेंट हो गया। फिर स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशन में क्या होता है कुछ जो मतलब स्पेसिफिक, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी या तुम्हारा क्या बोलते हैं आर्मी पर्पज़ के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। फिर तुम्हारा दूसरा हार्डवेयर क्षेत्र, ठीक है, हार्डवेयर क्षेत्र के अंदर क्या बताया, वर्तमान में हमारे देश में भी संगणक निर्मित करने वाली बहुत सारी कंपनियां है, ये कंपनी अपने बनाए गए संगणकों की बिक्री करती है तो कुछ बाहर से लाकर बेचती है, मरम्मत करती है, तथा कुछ कंपनी बड़ी कंपनी से संगणक के सतत कार्यक्षम रहने बंद न पड़े इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए संविदा ठेका लेती है। क्या बताया इसके अंदर में हार्डवेयर क्षेत्र के अंदर वर्तमान में, वर्तमान मतलब आगे अगर देश की संगणक निर्मित करने वाली बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, जैसे भी मैंने नाम बताया था तुम्हारा TCS, ठीक है, फिर तुम्हारा डेल, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है, इंफोसिस, ठीक है, कैपजेमिनी, ये सब जो कंपनी है ये वर्तमान में बहुत सारे मतलब संगणक का निर्मित करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, अंदर बनाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, लेकिन सबसे पहले कंपनी जो बनाती है वो हार्डवेयर रहता है। ये कंपनी अपने बनाए गए संगणकों की बिक्री करती है, ठीक है, ये अपना जैसे कि तुम्हारा डेल हो गया, ये सब जो कंपनी रहती है वो उसके कंपनी मतलब जो TCSR बताया वो लोग अपना ये नहीं बनाते, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर वेफेयर बनाते हैं, जो हार्डवेयर जो रहता है कंपनी कंप्यूटर बनाती है, जैसे डेल, HP हो गया, ठीक है, तो ये सब कंपनी अपना संगणक बना के मार्केट में लाते हैं और उसको बेचते हैं, तो कुछ बाहर से लाकर बेची जाती है, जैसे दूसरे दूसरे देश से उसको लाकर मतलब मल्टीनेशनल जो रहता है वो दूसरे देश से लाकर बेचे जाते हैं। फिर मरम्मत करती है तो कुछ कंपनी बड़ी कंपनी के संगणक से सतत कार्यक्षम रहती है, ठीक है, कोई कोई बड़े बड़े कंपनी जो रहता है जैसे कि अभी बड़ा कंपनी है तो वो बना के दे देती है और छोटे कंपनी को क्या करती है उसका
मतलब जो जैसे कि ये रहता है थर्ड पार्टी तुम लोग का रहता है वारंटी वाला कार्ड में दिखा रहेगा थर्ड पार्टी रहता है, तो उसे थर्ड पार्टी मतलब दूसरी कंपनी आके उसकी मरम्मत के लिए वारंटी के लिए जाने जाएंगे, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से देखभाल करेंगे, बंद ना पड़े इसलिए उनकी देखभाल करने की ठेका लेते हैं। फिर आगे दिया है उसमें बहुत सारी नौकरियाँ उपलब्ध है, हार्डवेयर डिजाइनिंग, हार्डवेयर प्रोडक्शन, हार्डवेयर, अभी देखो जैसे ऊपर था तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, उसे इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर ही बहुत सारी नौकरियाँ जैसे कि हार्डवेयर डिजाइनिंग। अब सबसे पहले हार्डवेयर डिजाइनिंग मतलब क्या, वो किस प्रकार रहना चाहिए, जैसे मोबाइल का कैसे रहना चाहिए, पतला चपटा चौकोन, ठीक है, थोड़ा सा गोल कर्व में रहना चाहिए, तो ये तुम्हारा हार्डवेयर डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार हार्डवेयर डिजाइनिंग में मतलब तुम्हारा कंप्यूटर लैपटॉप से भी ये सब भी उसके अंदर आ जाता है। फिर हार्डवेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पहले डिज़ाइन करेंगे फिर प्रोडक्शन, उसको बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, तो प्रोडक्शन बनाने के लिए जैसे कि अभी तुम्हारा फ़ोन बना रहे, छोटा सा एग्जांपल लेते, फ़ोन बना रहे तो फ़ोन का बैटरी के लिए अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन बैटरी का प्रोडक्शन अलग रहेगा, बैक मतलब पीछे का जो लगा रहता है वो अलग रहेगा, आगे का अलग रहेगा, स्क्रीन का अलग रहेगा, मदरबोर्ड का अलग रहेगा, ठीक है, सीपीयू का अलग रहेगा, प्रोसेसर का अलग रहेगा, तो ऐसा हार्डवेयर प्रोडक्शन अलग अलग सब चीज़ का बनाते हैं। फिर हार्डवेयर असेंबली एवं टेस्टिंग, ठीक है, अभी असेंबली के अंदर मतलब क्या होता है, अभी अलग अलग पार्ट रहता है वो सबको एक साथ जोड़ते हैं, असेंबलिंग मतलब सबको एक साथ जोड़ना, और जोड़ने के बाद क्या होता है फिर टेस्टिंग, जैसे कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी प्रोग्राम बनाने के बाद सॉफ्टवेयर बनाने का टेस्टिंग होता है, उसे इसके अंदर भी हार्डवेयर असेंबल मतलब एक साथ सबको लाने के बाद टेस्टिंग करते हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर हार्डवेयर मेंटेनेंस, ठीक है, अब ये सब के अंदर बहुत बहुत लोग काम के लिए आते हैं। फिर हार्डवेयर तुम्हारा मेंटेनेंस, हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, अभी जैसे कि कुछ असेंबली किया, ठीक है, अगर कुछ खराब हो गया उसके अंदर या कुछ चीज़ खराब है जो बराबर से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग को नया बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। या तुम्हारा कभी कभी वारंटी या गारंटी के अंदर भी तुम्हारा कुछ चीज़ खराब रहता है तो तुम्हें वहाँ से रिप्लेस करके मिलता है, तो वो भी मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग काम के लिए लगते हैं। फिर सर्विसिंग एवं मरम्मत इधर, ठीक है, अभी दूसरा जो जैसे मेंटेनेंस उधर तक ही रहेगा, ठीक है, जो मतलब कंपनी तक ही रहेगा, तुम्हारा सर्विसिंग और मरम्मत जो इत्यादि है वो हम लोग के जैसे गारंटी वारंटी रहता है वो तुम्हारा सर्विसिंग और मरम्मत इत्यादि क्षेत्रों के लिए नौकरी के सुअवसर उपलब्ध रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे और सॉफ्टवेयर क्षेत्र और हार्डवेयर क्षेत्र खत्म हुआ। फिर आगे दिया है प्रशिक्षण, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नए लोग को सिखाने को ट्रेनिंग फील्ड बहुत ही बड़ा है, ठीक है, अभी प्रशिक्षण के अंदर क्या दिया है, अभी जैसे कि जो एक काम पे लग गया, ठीक है, तो वही हमेशा ज़िंदगी भर काम पे लेने लगेगा, ठीक है, नए लोग जैसे पढ़ाई करते हैं फिर वो जाते हैं तो उनको नए लोग को वापस सिखाना पड़ता है, ठीक है, तो नए लोग को सिखाने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, नए लोग को सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है, नए लोग जो आते हैं उनको सिखाने के लिए, नए लोग को नया काम जो सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग फील्ड कहते हैं, या जूनियर लोग जो रहते हैं उनको भी अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आया तो एक दो जो सीख के आते हैं विदेश से, ठीक है, वो यहाँ पे आके दूसरे को सिखाते हैं, यहाँ के जो रहते हैं वो विदेश जाके कुछ नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग इधर निकला तो वो दूसरे देश में जाके सिखाएंगे। फिर स्वयं लीन होकर सिखाने वाले और संगणक विषय के कार्यक्षम प्रशिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सुअवसर उपलब्ध है, अभी जो सिखाने के लिए रहता है, ठीक है, जो मतलब जिसको सिखाने के लिए अच्छा लगता है तो वो ये इस चीज़ को सिखाने के लिए उसके लिए वो मतलब अच्छा अवसर रहता है इस फील्ड में, आईटी फील्ड में, ठीक है, अच्छे से वो किस भी चीज़ मतलब उसको जो समझा रहेगा वो अच्छे से सिखा सकता है, उसको कभी कभी TL टीम लीड भी बना देते हैं। फिर चौथा मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा तीसरा खत्म हुआ प्रशिक्षण, फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर क्या दिया है, संगणक और उसकी पूरक सामग्री एक्सरेजी और तैयार करने और बिक्री करने वाली उन अनेक संस्थाएं हैं। अभी मार्केटिंग के अंदर क्या, अभी संगणक, ठीक है, अभी मार्केट में तो लेके आता है लेकिन वो कौन बेचेगा, तो वो लोग रहते हैं जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिनको मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज रहता है, जैसे जिसको मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज रहेगा वही ज़्यादा बिकता है, ठीक है, जैसे कि अभी तुम्हारा नया नया अभी सब कंपनी आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर जो लोग रहते हैं जैसे कि जिनको मतलब बात में मिलाना आता है सबको, मतलब बात बोलने अच्छे से आता है, तो वो भी मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं, मतलब मार्केटिंग करके संगणक का मतलब उनका जो चीज़ रहता है वो सामग्री को बेच सकते हैं। फिर उन्हें बिक्री में कुशल लोग की आवश्यकता होती है, जैसे बताया मैं अभी, अच्छे से लोग मतलब जिसको अच्छे से बात करना है, अच्छे से मतलब बात को मिलाना है, अच्छे से किसको मनाना है, ये सब के लिए वो कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। फिर उन्हें संगणक की कार्यप्रणाली अनुभव के साथ ही मार्केटिंग का कौशल्य होना चाहिए, ठीक है, क्या बताया उनको, संगणक की कार्यप्रणाली मतलब कैसा संगणक काम करता है, जैसे कि अभी जिसके अंदर जैसे कि अभी साबुन बेचता है या कोई चीज़ कुछ बेचता है तो वो उसके बारे में भी उसको पूरा जानकारी होना चाहिए और साथ ही मतलब मार्केटिंग के बारे में भी उसको पूरा जानकारी होना चाहिए, किस लोग के पास जाएंगे, कैसा बोलना है, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा बिक्री होगा, ये सामान कहाँ पर ज़्यादा लोग ले सकते हैं, तो ये सब के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, और संगणक का मतलब संगणक का मार्केटिंग कर रहा है तो संगणक के बारे में भी उसका भी पूरा भी कार्यप्रणाली होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चारों ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रशिक्षण और मार्केटिंग खत्म हुआ। अभी आके देखते हैं संस्थानों के कार्य। ठीक है, संस्थानों के कार्य के अंदर क्या दिया है, CDAC, ठीक है, CDAC, प्रगत संगणन संस्था। ठीक है, प्रगत संगणन संस्था के फुल फॉर्म अभी दिया है सी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो एडवांस कंप्यूटर रहता है, मतलब कंप्यूटिंग अंदर जो काम रहता है उसको बनाने को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहते हैं, और वो कहाँ पे बनता है उसको एक सेंटर जो रहता है उसको सेंटर ऑफ CDAC कहते हैं। ठीक है, यह पुणे स्थित संगणक क्षेत्र के संशोधन कार्य करने वाले भारत का सुप्रसिद्ध अंग्रेजी संस्थान है। CDAC की सहायता से यह पुणे क्षेत्र, सॉरी क्या था, हाँ, ये पुणे स्थिति संगणक क्षेत्र में संशोधन का कार्य करने वाला भारत का सुप्रसिद्ध अंग्रेजी संस्थान है। ठीक है, ये पुणे में, जैसे सेंटर बताया था, सेंटर जो ये पुणे में है। ठीक है, ये क्षेत्र का, फिर CDAC की सहायता से भारत ने भारतीय बनावट का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, CDAC की सहायता से, उसके हेल्प लेके भारत ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मतलब वो जो तुम्हारा जादू में था वो सुपर कंप्यूटर नहीं, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर जो तुम्हारा जैसे कि छोटा कंप्यूटर और अच्छे से चले। ठीक है, अच्छा मतलब कम सब चीज़ मतलब लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था पहले, मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसको नाम दिया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बहुत बड़ा एक रूम के इतना बड़ा रहता है, वो सबसे पहले PDE का था। ठीक है, पांचवा PDE का, फिर अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो। फिर इस परम संगणक की निर्मित के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, मेन अभी नाम यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर, ये अमूल्य मार्गदर्शन, इनके हिसाब से वो पहला परम संगणक का निर्मित हुआ था। परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, यह संगणक 1 अरब गणित प्रति सेकेंड कर सकता है। ठीक है, एक संगणक जो रहता है वो 1 अरब गणित जो रहता है वो 1 सेकेंड में कर सकता है, मतलब 1 अरब की गणित, मतलब जो 1+1+1+ कैसे कहते हैं, तो वो 1 सेकेंड में कर सकता है। अंतरिक्ष संशोधन, भूगर्भ की हलचल, तेल भंडार संशोधन, चिकित्सक, मौसम विज्ञान, अभिकृतिक सेना जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होता है। अभी क्या बताया, अंतरिक्ष संशोधन। ठीक है, अंतरिक्ष संशोधन मतलब जो तुम्हारा सैटेलाइट वेटेलाइट रहता है तो उसको भी कनेक्ट करना, वहाँ तक मतलब इसका नेटवर्क पहुँचाना, ये सुपर कंप्यूटर का काम है। फिर भूगर्भ की हलचल, नीचे जैसे भूगर्भ होता है, ठीक है, भू में हलचल होता है, जैसे तुम्हारा भूकंप भीकंप आ सकता है, तो उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होता है वो भी सुपर कंप्यूटर की सहायता से होता है। फिर तेल भंडार संशोधन, जैसे तुम लोग ने देखा रहेगा, एक क्या बोलते हैं, एक हाथ में जैसा मोबाइल जैसा कुछ रहता है और एक कुछ गोल नीचे उसके ऊपर डंडा करके ऐसा ऊपर गोल घुमाते जमीन के ऊपर, तो हमें समझता है सो यहाँ पे कुछ है कि नहीं, तत्व है कि तेल है कि क्या है, वो समझता है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा सुपर कंप्यूटर की सहायता से ही होता है। फिर मौसम विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान का तो ऊपर बताया हम लोग ने, ऊपर जो सब चीज़ हुआ है वो यहाँ पे लास्ट में उसको पूरे को रिकॉल किया है। मौसम विज्ञान जो तुम्हारा बताता है, ठीक है, कल बारिश होएगा नहीं होएगा, क्या है बिजली कड़केगा, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा मौसम विज्ञान भी जो रहता है उसी से पता चलता है। फिर अभियांत्रिकी और सेना, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो देह का रहता है वो और सेने के बारे में जो रहता है, पहले जो इंटरनेट निकला था, ठीक है, जैसे अभी इंटरनेट सब लोग यूज इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो इंटरनेट निकला था शायद से 1987 में जो निकला था वो सिर्फ आर्मी लोग के लिए, सेना लोग के लिए बना था। ठीक है, तो इंटरनेट को पहले आर्पानेट ऐसा कहा जाता था। ठीक है, आर्पानेट जैसे कि वो ऊपर था ESIC, वो सही, ये सबसे पहला जो इंटरनेट निकला था वो आर्पानेट के नाम से जाना जाता था, आर्मी के लिए यूज़ होता था। ठीक है, उसलिए ए से आर्मी के लिए यूज़ होता था, उसलिए उसको आर्पानेट कहा जाता था। फिर इंटरनेट हम लोग के लिए बाद में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया। फिर आगे कह दिया है, भाषा लिखने के लिए ISCII इसकी कोड की निर्मिति में भी डेक का योगदान था। ठीक है, ISI इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोड इंटरचेंज लैंग्वेज जो था तुम्हारा, वो भाषा लिखने के लिए भी इसकी, ठीक है, ISCII जैसे ऊपर तुम्हारा CDAC था, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, उसे इसकी भी था, ये कोड की निर्मित भी डेक के योगदान के कारण ही हुआ। ठीक है, डेक के योगदान मतलब पूरा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं लोग सब थे उसके हिसाब, उसके मतलब उनके योगदान से ही हुआ। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो रहता है वो तुम्हारा सादा कंप्यूटर जो रहता है वो समझता है, लेकिन जो तुम्हारा ये सुपर कंप्यूटर रहता है वो इसकी का लैंग्वेज समझता है। ठीक है, इसकी का कोड समझता है। लैंग्वेज तुम्हारा बाइनरी लैंग्वेज रहेगा, 0101 ऐसा करके लैंग्वेज रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा लेसन खलास होते हुए। ओके स्टूडेंट, बाय।